नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में और ये रिक्वायरमेंट आपका रेट्स लिमिटेड की तरफ से आया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आती है। और ये जो वैकेंसीज एज अ रेगुलर परमानेंट बेसिस वैकेंसीज रहेगी जिसमें ITI और डिप्लोमा की पोस्ट रहेगी एज अ टेक्नीशियन ग्रेड टू। सैलरी की बात करें तो दोस्तों इसमें 20 से लेकर 30 हज़ार तक आपका ITI की सैलरी रहेगी। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका रेट्स लिमिटेड की तरफ से आया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है और दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। और ये रिक्वायरमेंट जो दोस्तों आपका एज अ परमानेंट बेसिस वैकेंसीज है, यहाँ पर देख सकते हो स्पेशल ड्राइव फॉर रिक्वायरमेंट OBC SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और इसकी तरफ से बहुत सारे वैकेंसीज दोस्तों आपका आया जो कि एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थी, बट अभी जो फिलहाल वैकेंसीज आया है एज ए परमानेंट बेसिस वैकेंसीज रहेगा। रेट्स लिमिटेड दोस्तों भारत का एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेस कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एज ए प्रीमियम मल्टी डिस्पेंसरी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो ये एक्चुअली ज़्यादातर दोस्तों रेलवे के ही काम करती है, ठीक है। और इसमें वैकेंसी दोस्तों आज आया है एज अ परमानेंट बेसिस जिसमें पोस्ट जो रहेगा एज ए टेक्नीशियन ग्रेड टू, ठीक है। और यहाँ पर वैकेंसीज नंबर यहाँ पर दे सकते हो 197-24। तो जब आप हमको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर वैकेंसीज नंबर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपको नोटिफिकेशन में वैकेंसीज नंबर का आप देख के ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा वैकेंसीज नंबर, तो ये आपको 197/24 आपको ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 15 सीटें जिसमें UR के लिए 3 सीटें, OBC के लिए 6 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 सीट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों PWD कैंडिडेट्स के लिए अलग से कुछ सीटें रिजर्व है, टोटल इनके लिए 3 सीटें, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 3 सीटें अलग से रिजर्व रखी है, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड टू के लिए एज लिमिट है दोस्तों आपका 30 साल, और ये 30 साल दोस्तों आपका एज अ जनरल कैंडिडेट के लिए, आप अगर SC ST हैं तो 5 साल, OBC है तो 3 साल का आपका एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करें टेक्नीशियन ग्रेड टू की तो यहाँ पर 10th के साथ आपका ITI ट्रेडशिप, तो आपने ITI की स्टेट से कि यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ITI की कोई भी ट्रेड मेंशन नहीं है। साथ ही आपने दोस्तों अप्रेंटिसशिप किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या असिस्टेंट या ड्राफ्ट्समैन सिविल या सर्वेयर या कैड ऑपरेटर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह से यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस यहाँ पर नील देख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई करेंगे, एक्चुअली एक्सपीरियंस में मांगा ही नहीं है, ठीक है। और परसेंटेज की बात करें तो EWS वगैरह के लिए आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। बाकी SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो 45% आपके मिनिमम मार्क्स हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा और इसमें ओनली एक ही एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। रिटर्न एग्जाम कंप्लीट होने के बाद दोस्तों एज अ 7 दिन के जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको 7 दिन के अंदर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सारे प्रोसेस आपका कंप्लीट करी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों द वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द इंटरव्यू राउंड शैल बी एज अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 100% रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद हो सकता है आपका इंटरव्यू भी होगा, बट ऐसा यहाँ पर आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिटन टेस्ट एक ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 100%। और आपका टोटल 125 क्वेश्चन रहेगा और जिसके लिए आपको टाइमिंग है दोस्तों 2.5 आवर्स, ठीक है। और इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। और PWD कैंडिडेट हैं तो उनके लिए दोस्तों अलग से 50 मिनट दिया जाएगा, यानी कि उनके लिए अलग से 50 मिनट आपको दिया जाएगा, बाकी अदर कैंडिडेट को 2 घंटा 50 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, और आप अगर जो है आप अगर एक सर्विस मैन है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको अलग से एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो है फिजिकल स्टैंडर्ड दिया है, तो जो भी PWD कैंडिडेट हैं उनके फिजिकल जो कैटेगरीज होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
साथ ही दोस्तों आपको फंक्शन के आधार पर, कोड के आधार पर, जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, ये सारे डेटर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेचर ऑफ पीरियड एंगेजमेंट की बात करें तो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो पहले आपको वन ईयर का प्रोग्रेशन रहेगा, जो कि हर डिपार्टमेंट में लगभग होता है। गवर्नमेंट सेक्टर अगर बात करें NPC तो 2 साल का होता है, बेल की बात करें तो उसमें 1 साल होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपका जो परमानेंट बेसिस जॉब रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और सैलरी वगैरह की बात करें तो यहाँ पर सैलरी देख सकते हो दोस्तों, 20,000 से लेकर 66,000 तक सैलरी रहेगी। और CTC अप्रोक्स अगर बात करें, सालाना आपका 7,35,000 रुपये रहेगा, तो काफ़ी अच्छा जो है सैलरी पैकेज यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मिलते हैं ये सारी फैसिलिटी है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपये हैं, प्लस आपका अलग से GST चार्ज है। और EWS, SST और PW कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 300 रुपये रखा गया है, प्लस आपका अलग चार्जेस लगेगा, वो अलग है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेन्यू एंड टाइम की बात करें तो आपका सिलेक्शन राउंड आपका ओनली रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट होने के बाद दोस्तों, रिटर्न टेस्ट जो होगा दोस्तों आपका अलग अलग लोकेशन पे होगा, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और अलग अलग लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, ये 7 सेंटर है। इन्हीं 7 सेंटरों में से आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, ठीक है। तो जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो अपने एग्जाम सेंटर इनमें से कोई भी 3 चूज कर सकते हैं। सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये सिलेबस दिया गया है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको www.rist.com की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको जाके रजिस्ट्रेशन पहले करना है रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप फॉलो करके आप अपना जो है फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके, ठीक है। तो जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर लेना है, ठीक है। साथ यहाँ पर देख सकते हो, तो सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और सॉरी, फॉर्म जो है दोस्तों आपका 9 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 8 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हेडलाइन दे देता हूँ, 9 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 8 नवंबर तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ITI की कोई भी ट्रेड मेंशन नहीं है, साथ ही आपने दोस्तों अप्रेंटिसशिप किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट या ड्राफ्ट्समैन सिविल या सर्वेयर या कैड ऑपरेटर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह से यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस यहाँ पर नील देख सकते हो, ठीक है।